इतिहास में वैसाखी का त्योहार धार्मिक दृष्टि के अलावा ऐतिहासिक रूप से भी एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने मुगलों के अत्याचारों से डरे सहमे लोगों में फिर से ऊर्जा भरने के लिए और अपनी खुद की और कमजोरों की रक्षा करने के लिए 13 अप्रैल 1699 ईस्वी में खालसा पंथ चलाया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने इसलिए खालसा पंथ नहीं बनाया था कि कुछ नया करना है, बल्कि उस समय की जरूरत थी। उस समय के लोग जो मुगलों के जोर जुल्मों से भयभीत थे, उनके अत्याचारों से थक चुके थे, ऐसे लोगों के अंदर नई ऊर्जा का संचार करने के लिए ही खालसा पंथ की स्थापना की गई। इस दिन सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने दूर दूर से संतों को आनंदपुर साहिब में आमंत्रित किया। गुरु जी का आदेश पाते ही सभी संतें अपने गुरु के दर्शन करने बढ़ चढ़ कर आने लगी। उस समय गुरुजी अपने दाएं हाथ में चमकती हुई तलवार पकड़ते हुए जोर से बोले, मेरा कोई प्यारा शिष्य है जो मुझे इस समय अपना सिर भेंट कर सके। गुरुजी की ऐसी बात सुनकर हर तरफ सन्नाटा छा गया। तभी संगत में बैठा भाई दयाराम उठकर गुरुजी को सिर देने के लिए हाजिर हो गया। गुरुजी उसे अपने तंबू में ले गए और फिर खून से भरी तलवार लेकर बाहर आ गए और फिर से एक और शीश की मांग करने लगे। ऐसे करते करते उन्होंने 5 शीश की मांग की, जिसको पूरा करते हुए भाई धर्मचंद, भाई मोहकम चंद, भाई साहब चंद और भाई हिम्मत राय जी ने अपने गुरुजी को शीश भेंट किए। छठी बार जब गुरुजी तंबू से बाहर आएगी तो उन 5ों को नई पोशाकें पहनाकर अपने पास बिठाकर संगत को कहा, आज से यह 5ों मेरे 5 प्यारे हैं, ये मेरा ही स्वरूप है और मैं इनका स्वरूप। गुरुजी ने एक लोहे के प्याले में सतलुज नदी का जल डालकर 5 प्यारों को नए वस्त्र और शस्त्र सजाकर अपने सामने खड़ा करके उस जल में खंडा फेरकर मुख से जपजी साहिब का पाठ करके अमृत तैयार किया। माता साहिब कौर जी ने इस अमृत जल में बताशे डाले ताकि सिख पंथ में मिठास हमेशा बनी रहे। पाठ की समाप्ति के बाद गुरु जी ने अरदास करके 5 प्यारों को अमृत के 5-5 घूंट पिलाए, 5-5 बार उनकी आंखों में छींटे मारे, 5-5 छींटे केशों में डाले। इसके बाद गुरु जी ने खुद भी 5 प्यारों से अमृत ग्रहण किया और आप जी श्री गुरु गोबिंद राय से श्री गुरु गोबिंद सिंह जी बन गए। इस तरह अमृत पिलाकर अपने 5 प्यारों को गुरुजी ने नाम दिया भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई मोहकम सिंह, भाई साहिब सिंह और भाई हिम्मत सिंह जी। गुरुजी ने अपने सिखों के साथ वचन किया, अब से आपने 5 ककार कशेहरा, कृपाण केस कंघा, कड़ा हमेशा रखने। चोरी, ठगी, निंदा, चुगली नहीं करनी, सिख ने सेवा करनी, गरीब की सदैव रक्षा करनी। गुरु जी ने सख्त हिदायत देकर अपने सिखों के साथ वचन किया कि केशों को कभी नहीं काटना, मांस नहीं खाना किसी पराई स्त्री के साथ, कुसंगत नहीं करनी, तंबाकू का सेवन नहीं करना। जिस स्थान पर गुरु जी ने यह सारा अमृत का कौतक रचा, उसका नाम आप जी ने श्री केशगढ़ साहिब रखा, जो अब सारे संसार में एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल बन चुका है। इस स्थान का नाम इसलिए प्रसिद्ध हुआ क्योंकि यहाँ केश रखने का नियम बाधा गया। कहा जाता है कि उस बैसाखी वाले दिन अमृत छकने वालों की संख्या 20,000 थी। गुरुजी के अनुसार जो सिख रेहत मर्यादा में पूरा रहेगा वही मेरा सिख होगा और मैं उसका रखवाला हूँगा। गुरुजी ने वाहे गुरु गुरु मंत्र का जाप करना सिर्फ शिरोमणि मंत्र बताया। वाहे गुरुजी का खालसा, वाहे गुरुजी की फतेह।